कृष्णा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। कृष्णा, अरे सुनो कृष्णा, श्यामू मुसीबत में है। श्यामू, दामू, अब क्या हुआ? आज कौन सी नई परेशानी है? बाबा ने मुझे चारों गायों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी, पर अब चारों की चारों कहीं खो गई हैं। ये श्यामू ना बहुत भुलक्कड़ है। ओहो, तुम उन्हें शायद बरगद के पेड़ के पास भुलाए होंगे। याद है पिछली बार भी हम सबने हर जगह ढूंढा था, और क्या हुआ, आखिर में हमने गायों को पेड़ से बांधा पाया। वैसा हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैंने उस पेड़ की जांच की, पर वे वहां नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चारों कहां गई होंगी। कृष्णा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये श्यामू ना बहुत भुलक्कड़ है। तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो। चलो जाकर ढूंढते हैं। कृष्णा रुको। चलो चलो, हम पहुंच ही रहे हैं। श्यामू, तुमने अपनी गायों को यहीं छोड़ा था। देखो तो, चारों गायों के पैरों के निशान यहाँ हैं। किसी ने तुम्हारी गायों को चुरा लिया है। ओ, तो इसका मतलब श्यामू गायों को भूल नहीं गया था। ओ, पता नहीं कि अच्छी बात है या बुरी। शायद ये किसी की शरारत है। रुको, ये क्या है? मुझे पता है तुम्हारी गायों के साथ क्या हुआ है। सच में श्यामू, तुम्हें रोज ज्यादा माखन खाना चाहिए, तुम्हारी याददाश्त सुधर जाएगी। पता है? क्या पता है? इसे पहचानते हो? मुझे तो सब कुछ ही दोनों जाना पहचाना और अनजाना लगता है। वैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। राधा, बेचारे श्यामू को उसकी गायें लौटा दो ना। राधा, क्या कहाँ? श्यामू याद करो, क्या तुम कुछ करना भूल गए? लगता है कि राधा तुम्हें किसी बात का सबक सिखा रही है। श्यामू मुझे अपने पेड़ से 10 आम देने वाला था। उसने वादा किया था, वो भी 10 दिन पहले। तो जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा, तब तक उसकी गाय मेरे पास रहेंगी। ओ राधा, मुझे माफ कर दो ना, मैं आम के बारे में बिल्कुल भूल गया। जब ताजी फसल आई तब मैंने आम की गिनती शुरू भी की, पर 7 आम के बाद मैं यही भूल गया कि मैं आमों को क्यों गिन रहा था, और फिर मैं खेलने लगा। राधा, बाबा को पता चलने से पहले मुझे बता दो ना कि मेरी गाय कहाँ है, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राधा। श्यामू, तुम सच में बड़े भुलक्कड़ हो। मैंने तुम्हारी गाय बाबा को लौटा भी दी। क्या? यानी कि चारों गाय कभी खतरे में ही नहीं थी? हाँ, अच्छा तो अब बताओ राधा, क्या हमें भी थोड़े आम मिलेंगे? जरूर, अगर तुम मुझे पकड़ सके तो। अरे मेरे लिए रुको। कृष्णा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजा लेते हो? क्योंकि कृष्णा ने सारे सुरों को अच्छे से याद कर रखा है। श्यामू, सब कुछ सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं होता। मुझे यकीन है अगर तुम चाहो तो तुम भी संगीतकार बन सकते हो।
कृष्णा मजाक छोड़ो, भले जितनी भी कोशिश कर ले, हम में से कोई भी इतना अच्छा संगीत नहीं बजा सकता, खास करके शामू। अरे वो तो बजाते बजाते ही धुन भूल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे तुम अपना अनोखा संगीत बना सको। हम कहाँ जा रहे हैं? शामू के लिए सही साधन ढूंढने, और कहाँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? इस बांस के साथ शामू के लिए एक बांसुरी बना रहा हूँ। ये लो शामू, इसमें फूंक मार के देखो। मुझे पता नहीं कृष्णा, मैं कोशिश करूंगा। शायद बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। चलो शहर चले। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शामू कोई संगीत साधन बजा पाएगा? बेशक, सभी के लिए कोई ना कोई संगीत जरूर है, हमें बस तुम्हारे लिए सही साधन ढूंढना है। उधर बरगद के पेड़ की ओर। कहाँ कृष्णा, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। चलो दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा, मेरा दोस्त संगीत सीखना चाहता है, क्या हम आपके साधनों का उपयोग कर सकते हैं? आपको पूछने की जरूरत नहीं है कृष्णा, ये लीजिए, एक तारा से शुरू कीजिए। पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा। नहीं ये भी नहीं। ये लो, इसे आजमाओ। हाँ ये आसान लग रहा है, इसे बस हाथ से बजाना है। नहीं कृष्णा, आपके मित्र में ना सुर है ना ताल है, हम और नहीं सुन सकते। अच्छा लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कृष्णा मुझे लगता है मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब समझ आया कि मुझे क्या करना है। बाबा क्या मैं ये घंटियों वाली छड़ी रख सकता हूँ? जरूर, इसे लो शामू। बांसुरी के साथ तुम अपनी घंटियाँ बजाओ, मेरे सुर से सुर और ताल से ताल मिलाओ। तो शुरू करें? कोशिश कर सकता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम कर पाओगे। राधा, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है कृष्णा, मुझे उससे बात करनी है। कृष्णा, राधा आई है, जल्दी आओ, कुछ बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल रात मैंने एक अजीब सी रोने की आवाज सुनी, मेरी आंख अचानक से खुली। मैं उठकर सोचने लगी कि क्या मैंने आवाज सपने में तो नहीं सुनी, और तभी अचानक वही आवाज दोबारा आई। मुझे बाहर जाना ही पड़ा। बाहर मुझे ये चूजा मिला, डरा हुआ, अकेला। ये शायद अपने घोंसले से गिर के गुम हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राधा, ये एक उल्लू का बच्चा है, हम दिन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रात को ही दिखते हैं। इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी, हम आज रात को इसका घर ढूंढ के इसे अपनी माँ से मिला देंगे। पर इसका घोंसला हमें मिलेगा कैसे?
मुझे सोचने दो। पर आओ, हम इस चूजे को तुम्हारे घर ले जाते हैं। इसका घोंसला तुम्हारे घर के आसपास ही होना चाहिए। ये छोटा सा चूजा बहुत दूर तक नहीं उड़ा होगा। ठीक है, काश तुम्हारी बात सही हो। रात के सब जीव अब जागने लगे हैं। हमें ध्यान से सुनना होगा। उल्लू भी उठने लगेंगे। देखो, ये चूजा भी जाग रहा है। ओ ले ले ले, मेरे छोटे से चूजे, हम तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। ये तुमसे सहमत है। हो सकता है। सुनो, क्या वो इसकी माँ हो सकती है? चलो पता करें। आओ यहाँ से, उस तरफ, उस झाड़ के पीछे। अरे, ये थोड़ी ना कोई उल्लू है। शामू दामू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राधा, तुम इस उल्लू को डरा दोगे। वैसे तुम दोनों इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? शामू ये बीज बोना चाहता था, पर उसने कहा कि सूरज के ढलने पर ही ये बोएंगे। मुझे शायद माँ ने ऐसा ही बोला था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। हम ये बीज मिट्टी में फूंक मारकर बो रहे थे। कृष्णा, तुमने उल्लू कहा था ना? कौन सा उल्लू? ये उल्लू। राधा, इन्हें दिखाओ। ये छोटा सा चूजा अपने घोंसले से शायद गिर गया है। हम इसका घर ढूंढ रहे हैं। ये एक उल्लू की आवाज है, शायद इस चूजे का परिवार हो। यहाँ एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे उल्लू के घोंसले हैं। आओ हम देखते हैं। ये कूदना चाहता है। मुझे लगता है कि हम पास है। हमें पेड़ पर इसका घोंसला ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उल्लू नीचे नहीं आ रहे। क्या यहाँ है तुम्हारा घर? हाँ। चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। रुक जाओ राधा, रुको। कृष्णा, मुझे लगता है कि घोंसला पास में ही है। यहाँ, यहाँ देखो। धन्यवाद कृष्णा, तुमने इसका घर ढूंढने में मेरी मदद की। तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी है कि हमने मिलकर इसका घोंसला ढूंढ लिया। अब इससे पहले कि घर पर सब परेशान हो जाए, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ? कृष्णा, मैं हम अरे शामू, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अरे कृष्णा, मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाहता था वो माखन के बारे में था, पर अब मुझे याद नहीं है। सोचो शामू, सोचो, कोशिश तो करो। क्या फायदा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। दामू और सुदामा आते ही होंगे, वो मेरे पीछे ही थे, उन्हें जरूर याद होगा। क्या तुम्हें शामू ने बताया? मुंजल जो मक्खन का व्यापार करते हैं, वापस आ गए हैं। क्या तुम्हें याद है वो? देखा, मैंने कहा था ना कि माखन के बारे में ही कुछ बात थी। हाँ, मुझे याद है। उसकी सारी गायों को हमने 5 दिन तक खिलाया पिलाया था, और उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें माखन के 5 मटके भर के देगा। अब उनका वादा निभाने का समय आ गया है। सुनो, मुझे वो मुंजल पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम कोई शरारत मत करना, समझ गए? कभी नहीं माँ, हम वही लेंगे जो हक से हमारा है। जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से मांगेंगे। आओ हम जाकर माखन ले आते हैं। आओ कृष्णा, आओ, मैंने तुम्हारे माखन से भरे मटके तैयार रखे हैं। हाँ, हम वही लेने आए हैं। ये लो, वादे के अनुसार 5 मटके मेरे स्वादिष्ट माखन के। ये है 5 मटके? ये तो आपकी हथेली से भी छोटे हैं। सबको मिलाकर भी 1 मटका नहीं भरेगा। अरे कृष्णा, अब लालच मत करो।
मैंने तुम्हें मटकों का आकार तो नहीं बताया था ना? अब जाओ, मुझे बहुत काम है। बेशक, आपने इसी का तो वादा किया था। आप कितने दयालु हैं। धन्यवाद। अरे, ये जगह तो खाली है। कहाँ है उनके मक्खन के दोने? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। वो मक्खन से लदी हुई गाड़ियों की खुशबू तो कुछ और ही थी। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुंजल, माखन ऐसे ही इधर उधर नहीं रखेंगे। तुम तीनों ठीक से नहीं देख रहे। ऊपर देखो। ओह, अब हम इतनी ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? सुदामा, मुझे माखन से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तैयार हो जाओ, ये माखन तुम्हारे लिए है। ये मक्खन तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार मक्खन है। मुंजल कंजूस भले ही हैं, पर माखन सबसे उम्दा बनाते हैं। तेज और तेज भागो, जो आखिरी पहुंचेगा उसे सबके लिए माखन के 5 मटके लाने होंगे। तुम बहुत तेज हो कृष्णा, रुको। ओ मेरी बकरी, मेरी बेचारी बकरी, अब मैं क्या करूंगा? ओ, पता करते हैं कि क्या हुआ। कृष्णा, पहाड़ों के बड़े गिद्ध मेरी बकरी को उठा ले गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां बची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बताओ, तुम्हारी बकरियां कहाँ चर रही थी? बड़े बरगद के पेड़ के पास, यमुना के बगल में। अच्छा, हम तो रोज वही खेलने जाते हैं। हम रोज क्या? बस उम्मीद है कि इस गिद्ध से कभी हमारा पाला ना पड़े। तो बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? योजना? कौन सी योजना? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो चलो, खेलते हैं। ये लो गेंद। दामू, पकड़ो। दामू, संभल के। मैं आ रहा हूँ दामू। दामू, दामू, यहाँ देखो। ओ कृष्णा, तुम आ गए। अब तुम्हें बच जाऊंगा। श्श, गिद्ध तुम्हें सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, हम अब क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? वहाँ, वहाँ पर। तुम कुछ बकरियों को साथ ले जाओ, जल्दी। हुर हुर, आओ आओ, इधर आओ। अब बस देखते जाओ। जल्दी जल्दी करो दामू, हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा। चलो, इन बकरियों को वापस ले चलते हैं। वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा। कृष्णा, क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस गिद्ध से उठवाया ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको? चलो चले दामू, देर हो रही है। दोस्तों, पतंग तैयार है, इसे हम सब मिलकर उड़ाएंगे। नहीं कृष्णा, इसे हम तीनों उड़ाएंगे।
अरे नहीं नहीं, ये पतंग बहुत बड़ी है, तुम तीनों इसे संभाल नहीं पाओगे। संभाल लेंगे कृष्णा, इन 900 ग्राम की बाजुओं में बहुत ताकत है। 900 ग्राम? पर तुम्हारे बाजू तो सिर्फ 150 ग्राम के हैं शामू। बाकी 150 ग्राम इधर है कृष्णा। 150 × 6 = 900। कोई बात नहीं कृष्णा, इसे इन्हें ही उड़ाने दो, हम दूसरी बना लेंगे। अरे पर वर छोड़ो कृष्णा, चलो करनी देते हैं। दोस्तों पीछे चलो। राधा ये गलत है, ये उड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तैयार हो ना? तैयार है। 1, 2 और ये 3। ये! देखो कृष्णा कितने खुश है ना तीनों। अरे ये तेज हवा कैसी? अरे ये क्या, ये तीनों तो गए काम से। कृष्णा तुम सही थे, ये समय अब इन बातों का नहीं, उन्हें बचाने का है। राधा है मेरे पास, पकड़ो मुझे। तैयार हो राधा? पकड़ लिया। अरे पर क्यों पकड़ा, कितना मजा आ रहा था उड़ने में। हाँ, पर हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। इसे बचाना नहीं, मजा किरकिरा करना कहते हैं। ऐसा है तो तुम लोग आ क्यों कर रहे थे? वो तो मजे वाला आ था कृष्णा। कृष्णा इन्हें मजे लेने दो। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। शेर चीते और भालू के बीच जा गिरे। हाँ, और उनसे बचते हुए हमारी ये हालत हो गई। अरे तो क्या हुआ, उड़ने के मजे लेने हो तो इतना तो बनता है। कृष्णा कृष्णा, लगता है दामू और सुदामा के पीछे कोई राक्षस पड़ गया है।
कृष्णा के रहते कोई राक्षस उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा कृष्णा शामू तुम इनके पीछे पड़े हो। हाँ कृष्णा, इन झूठे बेईमानों के पीछे मैं ही पड़ा हूँ। लेकिन क्यों? शामू चलो कंचे खेलते हैं। नहीं सुदामा, तुम दोनों ही खेलो, मुझे कुछ सवालों के जवाब सोचने हैं। ज्यादा मत सोचो शामू, सर दर्द करेगा। वो तो जवाब नहीं सोचूंगा तो भी करेगा। तो ऐसा करो, हमारे साथ खेल लो, उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे देंगे। कैसी रही? खूब रही, इसमें तो तुम्हारा ही लाभ हुआ। लाभ तो तब होता कृष्णा जब ये मेरे सवालों का जवाब देते, पर ये तो भाग आए। तो क्या करते? इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। तुम्हारे अजीबोगरीब सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। कैसे सवाल? ये पूछता है कि अगर भगवान है तो साबित करो। अब ये कोई कैसे साबित करे? इसमें क्या मुश्किल है? जिस प्रकार बच्चों के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड को पैदा करने वाले सबसे बड़े पिता हैं, जो भगवान कहलाते हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते, इसीलिए हमारा होना ही ये साबित करता है कि भगवान है। ये तो सही है। इसका जवाब तो तुमने दे दिया कृष्णा, लेकिन बाकी के जवाब भी दो तो जाने, आखिर में तुम्हें भी हमारी तरफ भागना ही पड़ेगा। ऐसा है तो अब कृष्णा ही शामू के सवालों के जवाब देगा। क्यों कृष्णा? राधा ने कहा है तो कृष्णा जवाब जरूर देगा। चलो शामू शुरू हो जाओ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, शहद मीठा और नमक नमकीन क्यों होता है? शामू, हर जीव हर तत्व की अपनी एक प्रकृति होती है, उसी हिसाब से शहद जिन फूलों के पराग से बनता है उनमें मिठास होती है, इसीलिए शहद मीठा होता है। इसके विपरीत समुन्दर में पाए जाने वाले खनिज नमकीन होते हैं, इसलिए नमक नमकीन होता है। ये भी सही है। अच्छा तो बताओ कि खाना खाने के बाद भूख क्यों खत्म हो जाती है? ओफो, क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए शामू? अभी तो आधे ही सवाल पूरे हुए हैं कृष्णा। बताओ, जब पानी सबको गीला करके सर्दी खांसी जुकाम लगा देता है, तो वही पानी खुद दिन रात पानी में ही रहता है, तो उस पानी को सर्दी खांसी जुकाम क्यों नहीं होता? ये इंसान तो अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय है, इससे बचने में ही भलाई है। चुप क्यों हो कृष्णा, बोलो जवाब दो। मैं जन्म मरण कर्म ज्ञान विज्ञान गणित भूगोल और ब्रह्मांड के रहस्यों का जवाब दे सकता हूँ शामू, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का नहीं। नहीं कृष्णा, तुम्हें जवाब देना ही होगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे कृष्णा रुको तो। देखा राधा, कहा था ना, शामू के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। राधा तुम भी आ जाओ और नहलाओ हमारी गौ माताओं को। मेरी ओर से कृष्णा है ना? तो कृष्णा की ओर से कौन है? कृष्णा की ओर से तुम हो। फिर मेरी ओर से कौन है? तुम्हारी ओर से दामू है,
दामू की ओर से सुदामा और सुदामा की ओर से राधा। पर राधा तो बाहर है। उसकी ओर से तो मैं हूँ ना। अरे पर कृष्णा, ये नदी के पानी में सागर जैसा उफान कैसा? कृष्णा इधर देखो। ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा? अरे भागो! पता करना होगा, मेरे पीछे आओ। काका, ये सब क्या हो रहा है? इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? बिटिया, जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है, सबको मार रहा है। तुम भी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हाँ, क्या हुआ? वृंदावन में कोई दुष्ट राक्षस घुस आया है। कृष्णा के रहते किसकी इतनी मजाल? वही तो, कृष्णा धो डालो उसे। अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा। चलो। अरे ये तो छुटनकू है। कृष्णा, इस छुटनकू से कोई कैसे डर सकता है? इसे देखकर तो हंसी आती है, इसे तो हम तीनों ही पटक देंगे। नहीं नहीं दामू, तुम तीनों से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा कृष्णा। हाँ कृष्णा, हम देख लेंगे इसको, तुम बस देखते रहो। चलो श्यामू दामू। रुको रुको, सुनो तो। राधा, ये तीनों जरूर पिटेंगे। लेकिन कृष्णा, ये तो सोचो, अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया तो बहुत मजा आएगा। मुझे देखकर तो सब डर कर भागते हैं। तुम लोग मरने चले आए? हम मरने नहीं, मारने आए हैं। ऐसा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हो? कृष्णा, ये तो बेईमानी करने लगा। ये 30 हो गया। धुलाई और कुटाई दोनों होगी। और कौन करेगा ये सब? मुझसे डर के? कृष्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसों को डराता है। ये कहाँ गया? पाताल में। उसकी माताजी भोजन पर उसका इंतजार कर रही थी।